वेलकम बैक नाजीन। कल के दिन हमने स्टोरी यहां पर पेश की थी कि कराची के निजी सुपर स्टोर में आग लगती है बेसमेंट के अंदर, जिसको कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर कुछ इंकशाफात हुए कि फायर एग्जिट मौजूद नहीं थी, फिर कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंदर इन्वॉल्व हुए इन चीजों में, और फिर नक्शा मंगवाया गया। और ये भी शुबा जाहिर किए गए थे कल के प्रोग्राम के अंदर कि FIR भी हो सकती हैं इस निजी सुपर स्टोर के मालकान के खिलाफ। आज की क्या अपडेट है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, कूलिंग का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आज काफ़ी जो नुमाइंदे हैं, कंसर्न नुमाइंदे, उन्होंने वहाँ पर विजिट किया है और तमाम चीज़ों का जायजा लिया है। बिल्डिंग के हवाले से भी बताई थी कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी कुछ असरअंदाज हुई है इसके ऊपर आग, और जो फ्लैट्स हैं वो खाली करा लिए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। असिस्टेंट कमिश्नर असमा बतूल इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। असमा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। हमने फुटेजेस में भी देखा था, हमारे नुमाइंदे भी आपके साथ मौजूद थे आज पूरा दिन। आज क्या अपडेट्स हैं आपके पास कि वहाँ क्या मनाजिर हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के हवाले से आपने क्या फाइंडिंग्स की हैं, किस तरह से चीज़ों को टेकअप किया जाएगा? असमा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गालिबन टेक्निकल इशू है, दोबारा राबता किया जाए इसमा साहिबा से। असिस्टेंट कमिश्नर हैं इसमा बतूल, और आज के दिन सिक्योरिटी अहलकार और इदारे जो वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ ये मौजूद थी, जायज़ा लिया है, ख़ासतौर पे बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं उनका जायज़ा लिया गया है, और जो फ्लैट्स को खाली कराया गया है इस वजह पे, इस बुनियाद पर खाली कराया गया है कि वो स्ट्रक्चर कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कल के रोज़ ये बात सामने आई थी कि नक्शा मंगवाया जाएगा इस बिल्डिंग का, और खास तौर पे निजी सुपर स्टोर में जो फायर एग्जिट मौजूद नहीं है, और फिर इसको कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें जो है वो खिलाफ वर्जियाँ की गई थी, इस पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है नहीं हुआ है, मालकान की सरजनिश हुई है नहीं हुई, इन तमाम चीज़ों से आपको भी आगाह करेंगे। और निजी सुपर स्टोर के हवाले से भी बताता चलूँ कि जो ये आग लगी थी, ये आग तीसरे दर्जे की आग की शिद्दत करार दी गई थी, और जिसको अभी तक इस अमल को मुकम्मल नहीं किया गया है। पहले ये कहा गया था कि आग बुझा दी गई है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, कूलिंग के प्रोसेस को भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। वजह क्या है, आग क्यों भड़क रही है वहाँ पर, और कार्गो के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा था ये बेसमेंट, जबकि जो लॉज हैं वो ये लॉज कहते हैं कि कार्गो के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते बेसमेंट, तो क्यों किया जा रहा था और आग कैसे लगी थी? फिर हमने ये भी बताया था आपको कि 4 या 5 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से एक शख्स हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ गया था। ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस की थी। आज की जो अपडेट है, जो पिलर्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब इसको कैसे जो है वो दुरुस्त किया जाएगा? जो फैमिलीज वहाँ पर रह रही थी, वो मकान, वो फ्लैट्स खाली करा लिए गए हैं। तकरीबन 170 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं जिनको खाली कराया गया है। अब इनको कहाँ पर शिफ्ट किया गया है, ये अपनी मदद आप के तहत खुद साख्ता तौर पर शिफ्ट हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं। हमारे नुमाइंदे भी आज वहाँ पर मौजूद रहे, टीम पूरी दिन कवरेज करती रही है, और K21 न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर वो मनाजिर भी दिखाए जाते रहे, कूलिंग का प्रोसेस भी दिखाया जाता रहा। असिस्टेंट कमिश्नर से भी दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि वो प्रोग्राम का हिस्सा बने, और तमाम ब्रीफिंग जो दिन भर हम देखते रहे K21 न्यूज़ की स्क्रीन पर, मेरे प्रोग्राम के अंदर भी वो ब्रीफिंग दें। लेकिन सुपर स्टोर की अगर बात की जाए तो जो इलाका है, इलाका मकीन के मैं आपको कुछ जो है वो जुमले हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं वो बताता चलूं कि धुएं की वजह से इलाका मकीन भी परेशान हैं। घरों में जो बिल्डिंग्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, वहाँ पर भी धुआं पहुँचना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस इलाके के अतराफ में। जहाँ जहाँ पर भी घर हैं, फ्लैट्स हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। और अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक का निज़ाम भी इस सड़क पर धरम बरम होता नज़र आ रहा है। कोई मैनेजमेंट जो है वो इसको टेकअप करती नज़र आ रही है, लेकिन इस मसले को हल करती नज़र नहीं आ रही। ये मसला और उलझता जा रहा है, सुलझने की, सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अगर जाबा होने वाले शख्स की और उन लोगों की बात की जाए, बेहोश होने वाले शख्स की, तो इनको मिला के कोई 4 से 5 अफराद ये इनकी तादाद है, जिनके बारे में ये भी कहा गया है कि ये वहाँ पर उस बेसमेंट के अंदर मौजूद थे। और एक शख्स जो कंप्यूटर ऑपरेटर बताया जाता है, वो सबसे आखिरी वक्त में वहाँ से निकाला गया है। और ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक वक्फा लेंगे यहाँ पर कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और वो तमाम चीज़ों की ब्रीफ दें कि किस तरह से इन चीज़ों को आगे मज़ीद टेकअप किया जाएगा।